हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह हम जा रहे हैं घूमने। ये एक सरप्राइज़ होगा आपके कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिए। सब उनकी समाधि सबके लगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ दुग्धेश्वर महाराज के मंदिर, जो कि गाजियाबाद में स्थित है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी जाना हो तो आप भी बाइक का यूज़ करें, क्योंकि वहाँ पार्किंग का इशू आता है। कोई भी मंदिर इतना चमत्कारी हो सकता है। दुग्धेश्वर मंदिर की बहुत सारी चमत्कारी कहानियाँ भी हैं कि एक संत की समाधि ऐसी भी है जहाँ सिर्फ इलायची चढ़ा देने से सारी इच्छा पूरी हो जाती है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज जैसा मैंने आपको सुबह बताया, अब ये सरप्राइज था, मैं आपको लेकर आई हूँ मंदिर, जिसका मैं पूरा विवरण आपको दिखाने वाली के बाद सिद्ध पुरुषों से बात की और उन्होंने बताया कि यहाँ के कुछ ऐसे संत भी रहे हैं जो त्रेता युग से तप कर रहे हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो समाधि लेने के बाद भी भक्तों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान आज तक करते आ रहे हैं। दुग्धेश्वर नाथ मंदिर पौराणिक काल का है। यहाँ एक ऐसा स्थान है जहाँ त्रेता युग से एक संत तपस्या कर रहे हैं। एक बार मंदिर के कुएं की सफाई के लिए जब खुदाई की गई तो वहाँ एक संत तपस्या करते हुए मिले और उन्होंने पुजारी को ये बात बताई कि प्लीज ये खिड़की मत खोलो, मैं कलयुग के किसी भी इंसान से मिलना नहीं चाहता। इस पावन मठ को सब लोग दुग्धेश्वर नाथ मठ महादेव के नाम से जानते हैं। यहाँ पर शिव महाराज का प्राकट्य स्वयं भू है, अर्थात जो स्वयं प्रकटे हों। पुराणों में वर्णित हर नंदी मीन्स हिंडन नदी आज भी इसके पास बहती है। यहाँ एक कथा ये भी प्रचलित है, ऋषि विश्वेश्वरवा और रावण को भी दुग्धेश्वर महाराज की पूजा अर्चना करने से ही सोने की लंका प्राप्त हुई थी। यहाँ भक्त अपनी सारी परेशानियों से मुक्ति पा लेते हैं और कृपा का ये सिलसिला त्रेता युग से ही चला आ रहा है। यहाँ एक कहानी ये भी प्रचलित है कि एक गांव था केला, और वहाँ की गायों को चरवाहे टीले पर चराने के लिए लाया करते थे, और गायों को चरते हुए छोड़कर ग्वाले जो होते थे वो विश्राम करते थे। जब गायें इन विशेष स्थान पर पहुँचती थी तो उनके थनों से खुद ही दूध टपकने लगता था। ये भी एक बड़ी अद्भुत घटना थी कि जैसे ही ग्वाले अपने मालिकों के पास पहुँचते तो उनका दूध निकालने का जो टाइम होता था, उस टाइम उन्हें गायों को बिल्कुल दूध ही नहीं देती थी। उस टाइम पर जब वहाँ की गायों के साथ ऐसा होता पाया गया तो ये बात चर्चा का विषय हो गई। तो उस समय सारा का सारा इल्जाम चरवाहों पर डाल दिया गया। ऐसा माना जाने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चरवाहे सारा दूध पी जाते हैं और कह देते हो कि गायों को दूध ही नहीं आ रहा। पर क्वेश्चन तो अभी भी बना हुआ था कि आखिर गायों का दूध चला कहाँ जाता है। एक विशेष स्थान पर जाकर गायों के थनों से खुद दूध बहने लगता, और जैसे ही वो उस स्थान से हटती तो गायों का दूध बहना बंद हो जाता था। जब सारे गाँव वालों ने ये देखा तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ। जब उस स्थान की खुदाई की गई तब वहाँ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। ये वक्त ही वहाँ पर एक दिव्य कुआ भी निकला, जहाँ माना जाता है कभी वहाँ का जल खारा हो जाता है, कभी मीठा और कभी दूध जैसा हो जाता है। और इसी कुएं की जो मैं बात कर रही हूँ, इसी में वो सन्यासी आज भी विराजमान है। अब यहाँ आप कुछ पिंडी रूप में देख पा रहे होंगे, पर ये पिंडियाँ नहीं हैं, ये समाधियाँ हैं। देखिए, यहाँ पर एक विशाल पेड़ है पीपल का, जहाँ पर लोग पूजा करते हैं, अर्चन करते हैं। यहाँ पर एक विशाल नंदी जी की प्रतिमा रखी हुई है, और आपको दिखाना चाहूँगी कि छोटे छोटे भोले बाबा की शिवलिंग हैं, उनको भी लोग पूजते हैं। ये सब उनकी समाधि सबके लगे। ओके, तो आप देख कुछ पल व्लॉग जिसमें आपको लेकर आए दुग्धेश्वर महाराज के पास। इन समाधियों के लिए ये भी कहा जाता है कि इन संतों ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ही समाधियाँ ली थी।
इन समाधियों का विशेष महत्व ये भी है कि इनमें से एक समाधि ऐसी भी है जहाँ सिर्फ एक इलायची चढ़ा देने मात्र से भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी मन्नत पूरी हो जाने के बाद यहाँ वापस आकर लोग सोने की इलायची चढ़ाते हैं। तभी है यहाँ के संत किसी भी धातु को सोने में बदलने की ताकत रखते थे। मंदिर के निचले स्तर पर एक ऐसी गुफा भी है, या ये कहें कि एक खुफिया रास्ता है जो आपको सीधे गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट ले जा सकता है। लगभग 400 वर्ष पूर्व औरंगजेब के काल से मराठा वीर छत्रपति शिवाजी ने यहाँ पर आए और यहाँ भगवान भोलेनाथ के उन्होंने दर्शन किए। जी महाराज कट्टर हिंदूवादी और सनातन धर्मी थे। उन्होंने यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ दुग्धेश्वर महाराज के दर्शन किए और यही मंदिर के जीर्णोद्धार का संकल्प भी उन्होंने यहीं पर आकर लिया। ये उनके द्वारा ही बनाया गया, ये जो जमीन खुदवा कर हवन कुंड बनाया गया था और यहीं पर आकर उन्होंने हवन किया था। आपको ये स्थान दिखाई दे रहा है, ये वही स्थान है जो छत्रपति शिवाजी ने यहाँ पर हवन किया था। यहीं पर आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री नारायण जी के द्वारा बनाया हुआ एक विद्यापीठ है जहाँ दूर दूर से विद्यार्थी आकर वेदों का ज्ञान अर्जित करते हैं। चलते चलते अब हम चलेंगे शुक्रासन राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। आपने देखा है शनिदेव महाराज के मंदिर में दिया जरूर जलाया जाता है सरसों के। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि भगवान दुग्धेश्वर अपने जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं उसकी जिंदगी में खुशियों का अंबार लग जाता है। बहुत आनंदमय दर्शन के बाद अब हम लोगों के चलने का समय हो गया है, तो फिर मिलेंगे अपनी किसी और नई वीडियो में आपको।